हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव के विकास के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था 24 अप्रैल 2020 को कि गांव की प्रॉपर्टी का आबादी का मालिकाना हक जो जहां बसा हुआ है किसान गांव के लोग उनको दिया जाएगा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तरह। और वो घड़ी आ गई है 11 अक्टूबर 2020 कल प्रधानमंत्री जी हरदा जिला और डिंडोरी जिले मध्य प्रदेश में दो जिले जो पायलट प्रोजेक्ट में लिए इनके किसानों को गांव के लोगों को मालिकाना हक देंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का गांव के किसानों की ओर से मजदूरों की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं कि सही मायने में उन्होंने गांव के लोगों को अब आजादी दिलाई है। आजाद तो भारत हो गया था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन गांव को आजादी दिलाने वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कल जब किसानों के गांव के लोगों के हाथ में स्वामित्व का पट्टा मिलेगा, प्रधानमंत्री स्वामित्व का मालिकाना हक का दस्तावेज, तब किसान आत्मनिर्भर होगा। अब वो बैंक से लोन ले सकेगा, लिमिट ले सकेगा, इंडस्ट्री लगा सकेगा, व्यापार कर सकेगा, व्यवसाय कर सकेगा और कोर्ट में जरूरत पड़ने पर जमानत में भी उसका उपयोग हो सकेगा। अभी तक वो प्रॉपर्टी तो थी लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, गांव वालों की कोई वैल्यू नहीं थी। गांधी जी का सपना कि असली भारत गांव में रहता है, गांव के विकास से देश का विकास होगा, कांग्रेस ने तो पूरा नहीं किया लेकिन मोदी जी ने पूरा किया। और इसलिए सच्चे गांधीवादी इस देश में कोई प्रधानमंत्री हुए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी, और इसलिए मोदी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं।